अगली खबर आ रही है रीवा जिले से, जहां जवा जनपद अंतर्गत हरदोड़ी ग्राम पंचायत में स्थानीय निवासियों की शासन प्रशासन से मांग है कि पंचायत के पदाधिकारियों को पंचायत भवन में मिलने व लोगों की समस्याएं सुनने के लिए निर्देशित किया जाए। विभिन्न योजनाओं के लिए पात्र आवेदन अपना आवेदन लिए हितग्राही इधर उधर भटक रहे हैं, पंचायत भवन में ताला लटका रहता है। पंचायत सचिव की मनमानी रवैये के कारण स्थानीय निवासी परेशान हैं। उनका कहना है कि अगर किसी योजना में दस्तावेज सत्यापन और आवेदन करने हेतु ग्राम पंचायत सचिव से मिलना हो तो हमें अतरैला पटेहरा के कई चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिसमें उनका समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है। और सचिव साहब मिलेंगे या नहीं, यह सब उनके मूड पर निर्भर करता है। ऐसे हालात में गरीब और वृद्ध ग्रामीणों को अगर समग्र आईडी संबल व अन्य किसी योजना के लिए कोई कार्य कराना हो तो इधर उधर भटकना पड़ेगा, क्योंकि शासन के नियम अनुसार सत्यापन ग्राम पंचायत सचिव और पटवारी ही कर सकते हैं, जबकि इन दोनों अधिकारियों से मिलना तो दूर, जानकारी लेने व बात करने के लिए यदि फोन लगाया जाए तो फोन रिसीव नहीं करते हैं। इसी तरह की कार्यप्रणाली से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का लक्ष्य कैसे पूरा होगा, जब जिम्मेदार पदाधिकारी लोगों से मिलेंगे ही नहीं, उनकी समस्याएं नहीं सुनेंगे तो क्या हकीकत में जमीनी स्तर पर पात्र आम जनता को शासन द्वारा चला जाए तो क्या हकीकत में जमीनी स्तर पर पात्र आम जनता को शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल सकेगा, यह सोचने योग्य बातें हैं। इससे पहले भी सचिव मनोज तिवारी के ऊपर कई बार भ्रष्टाचार व अनियमितता के आरोप लगे हैं। कुछ महीनों पूर्व चर्चा में रहा अनशन हरदोली गाँव में गौशाला व बस स्टैंड निर्माण के लिए 72 दिनों तक चला था, जिसको बिना किसी निष्कर्ष के सचिव मनोज तिवारी व कार्यपालन यंत्री अरुण भारद्वाज द्वारा झूठा आश्वासन देकर अनशन कार्यों का अनशन खत्म कराया गया था। कुछ दिनों के बाद जब फिर सचिव मनोज तिवारी के कार्यप्रणाली पर फिर सवाल उठ रहे हैं, देखना यह है कि जवा जनपद और जिला पंचायत के प्रशासनिक अधिकारी इस मामले पर हरदोली निवासियों के इन समस्याओं का समाधान कब और कैसे करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री अभियान जन सेवा अभियान के इसमें समय से जो भी कार्य है, एक भी लाभ हमारे ग्राम पंचायत के नागरिकों को नहीं मिला, न हमें मिला। साइन कराने के लिए जब दौड़ा जाता है कागज लिए, पंचायत भवन जब नहीं खुल रही है, कुछ महीनों महीनों से बंद पड़ी है, न साइन हो रहा है, न कुछ हो रहा है, न कोई लाभ मिला है। अगल बगल के पंचायतों में इसका लाभ मिला है मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत। मेरी गुजारिश है शिवराज सिंह मुख्यमंत्री जी से, यहाँ पे न्याय करिए, देख के या समझ के अपने हिसाब से सेक्रेटरी वालदा जाए, यही गुजारिश है। ये समस्या जो मुख्यमंत्री अभियान चलाया गया है जनसेवा अभियान के तहत, हमारे ग्राम पंचायत हरदोली में कोई भी कार्य नहीं कराया जा रहा है। अगल बगल पंचायतों में कार्य कराया जा रहा है, कागजी कार्रवाई हो रही, यहाँ पे न सेक्रेटरी साहब आ रहे, न कोई कार्य हो रहा। मुख्यमंत्री अभियान जो चलाया गया उसमें कोई कार्य नहीं कराया गया। अब सेक्रेटरी साहब मिल भी नहीं रहे हैं, अगर किसी को ज़रूरत है साइन कराने के लिए तो कोई जा भी रहा तरैला पटेरा, उसके बाद भी नहीं मिल रहे, न सेक्रेटरी न पटवारी साहब, कोई सुनने के लिए कुछ भी तैयार नहीं है। दुर्गेश कुमार तिवारी, सदस्य हरदोली ग्राम पंचायत का पंच वार्ड मेंबर भी हूँ। हमारी ये सरकार से गुजारिश है, जाओ कार्य भी आ रहा है इधर अपने ग्राम पंचायत हरदोली में, तो मनोज सेक्रेटरी द्वारा कार्य नहीं कराया जा रहा है, लीपा पोती कार्य करा दिया जा रहा है। गरीब लोग अपना कागज लेके मनोज सेक्रेटरी के पीछे भाग रहे हैं, सेक्रेटरी को ढूंढ नहीं पा रहे हैं, अतरैला पटेरा तक जा रहे हैं, उसके बाद भी सेक्रेटरी नहीं मिल रहे हैं। जो भी PCC बनवाई गई है, एक बार बारिश हुई, बारिश होने के बाद पूरी रोड बह गई है, चाहे बटोर के उसको भर लीजिए। जैसे बस स्टैंड अभी बना है, ये बस स्टैंड का पैसा निकाल लिया गया है, निकालने के बाद लीपा पोती कर दिया गया है पूरा काम। आज साहब मिल नहीं रहे, सेक्रेटरी साहब पूरा भ्रष्टाचार मचाए हुए हैं, कोई किसी का कुछ सुन भी नहीं रहे हैं।